दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्रीकाल, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज की नई मुद्दे और आज की नई बात। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट का। मेरा 75 डे, 75वां दिन हो चुका है और मेरा पोजीशन आप देख चुके हैं। मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ, देखिए मेरा जो हेयर का है पोजीशन है। कुछ हेयर जो है वो आपको 1 इंची, करीब हाफ इंची, हाफ इंची से थोड़ा सा बड़ा ये साइज का हो चुका है। और कुछ हेयर जो है मेरा वो अभी काफ़ी छोटा है, वो 1/4 इंची का है। तो दोस्तों ये होने का कारण क्या है मैं बता रहा हूँ। होने का कारण क्या है कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का डोनर एरिया, एक तो ये हेयर हेड का पीछे का पोजीशन का है और एक डोनर एरिया मेरा ये चेस्ट बॉडी का है। तो दोस्तों ये होने का कारण यही है कि जो चेस्ट का हेयर लगा हुआ है मेरा वो 1/4 इंची बढ़ रहा है, और जो डोनर एरिया जो हेड का है उसका जो हेयर है वो आपका हाफ इंची से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट कराएं तो सबसे पहले आप चेष्टा करें कि जो आपका डोनर एरिया जो सर का है पोजीशन का, वो डोनर एरिया का जो हेयर है वो आप सामने में लगवाएं। और आपका जो चेस्ट हो गया, अगर आपका बेड का हो गया ये भी लगाना है। अगर आपके पास डोनर एरिया कम है, आप 7+7+ एंड मिस मेरे तरह है कि मेरा तो करीब 75% 80% हेयर नहीं था, पूरा ब्लाइंडनेस था। तो इस कारण क्या है कि मुझे बॉडी का हेयर लेना पड़ा और मुझे कुछ इस जगह भी ग्राफ हल्का सा कराना पड़ा। तो दोस्तों अगर आपके पास में कम है तो आप कोशिश कीजिएगा जो ये पीछे का जो पोजीशन हेड का पीछे का पोजीशन, ये ग्राफ ही आप सामने में लगवाइएगा। बाकी जो है बीएड का और छाती का जो ग्राफ है वो आप पीछे साइड में लगवाइएगा। कारण कि जो बीएड और बॉडी का और बीएड का जो हेयर है वो हेयर आपका जो ये सामने में लगेगा वो उसका पोजीशन काफ़ी अच्छा मुझे नहीं लग रहा है। कारण हो सकता है कि अब 6 से 7 महीने के बाद में अच्छी पोजीशन में आ जाए और हम ड्राई वगैरह करें तो अगर बड़ा हो जाए तो अच्छा लगे बाद में, लेकिन अभी का जो पोजीशन है। इसलिए दोस्तों मेरा सलाह है कि जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कराएं तो आप एकदम हेड का ही बाल का यूज करें। तो दोस्तों बाकी पोजीशन मेरा आप देख रहे हैं अभी क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूँ नज़दीक से जा करके, देखिए। और बीच बीच में मेरा क्या है, ये पोजीशन में, इस पोजीशन में छोटा छोटा दाना निकल रहा है। कभी दाना निकल रहा, फिर बैठ जा रहा, फिर निकल रहा, कभी बैठ जा रहा। तो डॉक्टर साहब से मैंने बात किया, फ़ोन किया था उनको, तो डॉक्टर साहब बोले कि वो कोई बात घबराने का बात नहीं है, जो वो दाना निकलेगा फिर वो ठीक हो जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ करीब 10-15 दाना पहले भी निकला था, बीच बीच में वो क्या हुआ अपने आप बैठ के ठीक हो जा रहा, और अभी फिर 2 निकला हुआ, इस जगह एक है, इस जगह निकला हुआ है, छोटा छोटा गोल टाइप का दाना निकलता है और वो बढ़ जाता है। और इस तरह तो मेरा पीछे का जो पोजीशन है पेन, तो मेरा पीछे में अभी पेन इस जगह पूरा कस के दबाते तो पेन लगता है हल्का सा, और बाकी इस तरह का कोई पेन नहीं है दोस्तों। बाकी पोजीशन तो आप देख चुके हैं। तो दोस्तों रखते हैं, ये आपको बताना था और कोई खास नहीं। तो आज मेरा 75वां दिन हो गया है और मेरा पोजीशन काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों रखते हैं, फिर मिलेंगे नए मुद्दे और नई बात के साथ नई वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें रेड बटन दबा करके, तो और लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।